152 सिधौली विधानसभा के अंतर्गत बेसिंगपुर ग्राम सभा में मतदान स्थल पर हम खड़े हुए हैं, जहां पर मतलब यहां पे मतदान हुआ है और यहां की जनता से पूछेंगे कि यहां का प्रतिशत कितना रहा है और किस तरीके से यहां पे वोटिंग हुई है। तो दादा यहां पे जो वोटिंग हुई है उसका कितना क्या प्रतिशत रहा है? 934 वोट है, जिसमें से 704 वोट पड़ा है और 73.77% है यहाँ का बिरसिंहपुर। अच्छा, कितने बजे तक वोटिंग हुई है यहाँ पर? 6 बजे तक। अच्छा जी, तो वैसे किसी को जिता रहे इस चुनाव में? मनीष रावत बीजेपी, बाबा योगी जी को। अच्छा, और आपके जो हरगोविंद भार्गव जी हैं मौजूदा विधायक, उनको क्यों नहीं जीता? 500 ये यहाँ इनको कोई पहचानता ही नहीं तो कौन जानेगा ये है कौन? हरगोविंद भार्गव जी जो नहीं, हम तो नहीं जानते, हम नहीं जानते। क्षेत्र में कभी दर्शन नहीं कराए हैं, आप किसी क्षेत्र में पता करिए, तराई क्षेत्र में हरगोविंद है कौन कोई नहीं जानता, विधायक है क्या है। 5 साल भी अभी तक आपके क्षेत्र में अभी उनका प्रचार जब चल रहा था, वो प्रचार में भी नहीं आए हैं, जनता से जनसंपर्क चल रहा था उसके माध्यम से भी जनता तक नहीं पहुंचे, तो हम लोग जानते नहीं हरगोविंद कौन है, तो उनको वोट क्यों करेंगे। अच्छा, अभी कुछ समय पहले हरगोविंद जी ने एक बयान दिया था गायों को लेकर के, तो उस पर जैसे आपके क्षेत्रों में काफी समस्याएं बनी हुई है, खेतों में जो छोटा जानवर है वो चल जाते हैं, उसके विषय में कुछ आप बोलना चाहेंगे हरगोविंद जी को? कुछ समय पहले तो लोग कहते थे समाजवादी गौ हत्या, ये गौ माता को कटवा रहे हैं, और अब ऐसा है अगर गौ रक्षा करी जा रही तो लोग कह रहे हैं इनको छोड़ा जा रहा है, योगी ने छुड़वाया। जी जी। अच्छा, मतलब योगी जी को आप पूरी तरीके से जिताने में लगे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। अच्छा, क्या कारण रहा है कि योगी जी को आप जिता रहे हैं? क्या सुविधाएं आम लोगों को ऐसी मिल रही है? भैया, योगी ने वो कर दिखाया है जो किसी सरकार ने तो नहीं किया है। अरे, लोगों को नमक तक खिला दिया है, राशन पानी दिया है, अब नमक हलाली कोई कर सकता है क्या? अब सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र जो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने समाज के लिए, अपने हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रही है, और हम हिंदू राष्ट्र के हित में वोट किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट किए हैं, जितने युवा है सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। कोई भी आप एक बयान उठा के हमको दिखा दीजिए जिसमें भाजपा के प्रति उन्होंने कुछ गलत बोला हो, उनकी जो भावनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती हैं और उनका सहयोग किया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज जैसे कि बोला जाता है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज की जो युवक है वो भाजपा के खिलाफ है, क्या ये सच्चाई है? ये गलत फहमी है, ये 10 मार्च को दिखेगा उनको, जब बहुमत सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि वो गड़बड़ है, वो भी लोग सब लोग मिलना चाहते हैं इसी बीजेपी में, बीजेपी में बाबा योगी, बाबा योगी के साथ है, उनका पूरा समर्थन है।